बंगाल में रामनवमी पर फिर हिंसा की घटना हुई है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम रामनवमी शोभा यात्रा पर बम फेंके गए और इस घटना में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक महिला और दो बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में तनाव की स्थिति है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात कर दिए हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस दौरान आसपास के कई घरों और दुकानों में आगजनी लूटपाट भी की गई। गौरतलब है कि पिछले साल भी बंगाल में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं घटी थी। उत्तर दिनाजपुर के दालखोला, हावड़ा के शिवपुर और हुगली के रसड़ा और श्रीरामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था और इन घटनाओं में अनेक लोग जख्मी हो गए थे। NIA के इन घटनाओं की जाँच भी कर रही है। आपको बता दें कि रामनवमी शोभायात्रा के दौरान शक्तिपुर के अलावा जिले के मणिक्यार इलाके में भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने मणिक्यार इलाके में कई घरों और दुकानों में आगजनी लूटपाट की। शक्तिपुर में घर की छत से उपद्रवियों ने शोभायात्रा पर पथराव किया और शोभायात्रा को निशाना बनाकर बम भी फेंके गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तृणमूल समर्थित उपद्रवियों पर शोभायात्रा पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। हिंसा की घटना के लिए भाजपा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के IT प्रकोष्ठ के प्रमुख और राज्य के सहप्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि हिंसा की इस घटना के लिए ममता बनर्जी के लोगों को उकसाने वाला भड़काऊ भाषण जिम्मेदार है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो अपनी सभाओं में दे रही थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता की पुलिस एक बार फिर हिंसा पर काबू पाने में विफल रही है। सरेआम हिंदुओं पर हमला किया गया और उनकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा को घटना की NIA जांच की मांग की है। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में घायलों को देखने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। अधीर रंजन चौधरी पर एक भाजपा नेता को धक्का देने का आरोप भी लगाया गया है।